हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने मौसम के भयंकर रूप के चलते कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही कई राज्यों में रेड अलर्ट की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और भारी बर्फबारी के साथ बड़े बड़े ओले गिरने से कई राज्यों में बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी गाँव या भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गांव और जिला का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण जम्मू और कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहेगा। इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्व एमपी और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गंगे, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, झारखंड और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होगी। वहीं दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की शीतलहर का सितम जारी है। अधिकतम तापमान में कमी के कारण दिन का मौसम भी काफी सर्द हो गया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में काफी ठंड की स्थिति होने की संभावना है और साथ ही अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले आने वाले 24 से 48 घंटों में हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली के साथ ओले और बौछारे पड़ने की भी संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश होगी। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल और माही में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, सिक्किम में सुबह और शाम के समय बहुत ही घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होगी। वहीं मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात होगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्व भारत में मध्यम से घने कोहरे छाने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट में अपने जिले, अपने गाँव, अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके एरिया से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले मौसम समाचार की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।